शांति 23:8 के ईश्वरीय महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने आप से वादा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है, पक्के योगी की निशानी सुनाओ। जवाब, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं हो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। मेन पॉइंट्स, बाबा ने कहा तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले वाली नई बातें बाबा से नई करके सुनते हैं। बातें तो वही हैं, फिर किसके लिए बाबा ने कहा ये बातें सुनाते हो नई बातें? बाबा ने कहा ये नई बातें नई दुनिया में वर्षा पाने के लिए, इसमें ज्ञान का डांस करना है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, कहते हैं चारों तरफ फेरे लगाते हैं, डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत लगती है, लेकिन ज्ञान डांस में क्या होता है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज बुद्धि में घूमती है, और तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। याद में मेहनत है, इसलिए इसमें कई बच्चे फेल हो पड़ते हैं, कहीं ना कहीं गिर पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम अशरीरी होकर के रहो, तुम्हें देह का भान तोड़ना है, किसी से बुद्धि का योग नहीं लगाना है। कोई मरता है तो दिया जलाते हैं, सोचते हैं दीपक कहीं बुझ ना जाए। बाबा कहते अब मैं आकर के तुम्हारी ज्योत जगाता हूँ। नई बातें होने के कारण कई बार झगड़ा भी हो जाता है। बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, स्वीट चिल्ड्रन के पास भारत में ही आता हूँ, अपना जन्म देश सबको ही तो प्यारा लगता है। अब तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, बाबा जैसी प्यारी वस्तु कोई दुनिया में और होती नहीं है। बाबा कहे बच्चे अब मैं आया हूँ तुम्हारे दुख दूर करने, तुम बेहद बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा देखो मैं रूप भी हूँ तो बसंत भी हूँ, तुम कहते हो हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर दो, वो शंकर के लिए कह देते भर दो झोली, तुम भी यहाँ पर रूप बसंत बनते हो, ज्ञान योग धारण कर फिर डांस करते हो। सबसे अच्छा रतन है मन मना भव, जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, बहुतों का कल्याणकारी बनने से बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। बाबा देखो हमारी रोज सर्विस करता है तो हमें भी सर्विस करनी है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सबको जियादान देना है। फिर बाबा ने गुलजार दादी को याद किया, गुलजार बच्ची बहुत अच्छा है, कितना मीठा समझाती, सबको पसंद आता है। अब बाबा ने कहा दुनिया की बहुत दुखी जीवन है, तुम्हें तरस आना चाहिए, तुम्हें बहुत बहुत रहम दिल बनना चाहिए। बाबा कहता बच्चे मनुष्य की जीवन तो कोड़ी मिसल है, विकार में गिर के नुकसान कर लिया है, अब तुम सबको बाबा का परिचय दो, सर्विस करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, दूसरी सब बातें छोड़कर ज्ञान डांस करना है, ज्ञान दान देना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना, कर्मेंद्रियां जीत बनना है। आज का वरदान अमृत वेले की मदद व श्रीमद की पालना द्वारा समृद्धि को समर्थवान बनाने वाले समृद्धि स्वरूप भव। अपनी समृद्धि को समर्थवान बनाना व स्वतः ही समृद्धि स्वरूप बनना तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत उस प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकोगे और मेहनत से छूट जाओगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने वाले कर्म के महत्व
कर्म भी फिर महत्व प्रमाण होगा। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले सदा विजयी हैं। आज का स्वमान रहेगा, मैं समर्थवान विजयी रतन हूँ।